तो इस वक्त मैं शहीद भगत सिंह कॉलोनी करावल नगर में हूँ और उस मस्जिद के सामने खड़ा हूँ जिस मस्जिद पर जब यहाँ पर दंगा हुआ, दंगाई मस्जिद के ऊपर चढ़ गए, मस्जिद में तोड़फोड़ किए और मीनारे पर चढ़कर जय श्री राम का झंडा भी लगाए। ये अल्लाह वाली मस्जिद है। तो इमाम साहब यहाँ के हैं, हम उनसे बातें करेंगे। इमाम साहब बताइए, जब दंगा स्टार्ट हुआ मस्जिद में, दंगाई घुसे, तो आप कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त मैं ईदगाह कसाबपुरे में था, इज्तिमा में। इज्तिमा में थे जी, बच्चे यहाँ थे। और मगरिब के बाद जो है दंगाइयों ने आकर मस्जिद पर हमला किया, आगजनी करी और जो है तोड़ फोड़ करी, सारे मस्जिद को जो है खाकिस्तर कर दिया है और लोगों के मकानात जो है तबाह बर्बाद कर दिए, लूटपाट कर लिए, लोगों के जेवरात और जो है सामान बहुत लूटपाट कर ले गए हैं। उसके बाद जब दंगे हुआ यहाँ स्टार्ट, उसके बाद आप आए यहाँ पे? हम 4-5 दिन बाद आए यहाँ पे। अच्छा, 4-5 दिन बाद जी। उस वक्त सब डरे हुए थे, कुछ लोग इधर उधर फंसे हुए थे, 3-4 दिन जो है रास्ते ही में रह गए कुछ लोग। जैसे ईदगाह से निकलने के बाद कुछ लोग जो है आपके जाफराबाद और खजूरी या कुछ लोग जो वहीं कसाबपुरे में ठहर गए। झंडा लगा था मीनारे पर जी, तो कितने दिन बाद उतारा गया था? उसके 1 तारीख को उतारा गया था भाई। 2400 घटना हुई, 1 तारीख को उतारा? हाँ, 1 तारीख को उतारा गया था। उसमें भाई इमरान थे और कुछ लोग थे जो हमारे यहाँ के इस इलाके के, उन लोगों ने मिलकर जो है जमीयत के साथ झंडा उतारा और मूर्ति रखी हुई थी उसको उतारा। अच्छा, मूर्ति भी रखी थी जी यहाँ पे सामने, मूर्ति रखी हुई थी इस पर, उसको उतारा गया। तो आप देख सकते हैं कि अभी मस्जिद में काम चल रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से। वक्फ बोर्ड ने जिम्मेदारी ली है जो मस्जिदों में, यहाँ पे मूर्ति रखी थी, तो इस जगह पर मूर्ति रखी हुई थी लेकिन मूर्ति हटा दी गई है। तो हम आपको अंदर का हिस्सा दिखाएंगे और अभी काम चालू है वक्फ बोर्ड की तरफ से। वक्फ बोर्ड ने जिम्मेदारी ली है कि जितनी मस्जिदों में आग लगी है हम उसको मरम्मत कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद का अंदर का हिस्सा है और पूरी दूसरी मंजिल, अच्छा बेसमेंट में नमाज़ होती है। हाँ, तो ये ऊपर का दूसरे मतलब पहला फ्लोर है, बेसमेंट में नमाज़ होती थी, यहाँ भी होती थी। देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मस्जिद ख़त्म हो चुकी है। फ़ैन देख सकते हैं कि फ़ैन की सूरत क्या है, कि इतनी भयानक आग लगी थी कि सारे पंखे टेढ़े हो गए, उनकी पंखड़ियाँ टेढ़े हो गई और पंखे टूट गए। और जो कुछ भी यहाँ पर था, कूलर था, देख सकते हैं कि सब में आग लगा दिए। आग लगाने के बाद तोड़ फोड़ किए, सब कुछ तोड़ दिए। आलमीरा था, आलमीरे में बहुत सारे कागजात रहे होंगे मस्जिद के, या फिर जो बच्चे यहाँ पढ़ा करते थे, कुरान मस्जिद यहाँ पर थी, कुरान मस्जिद में भी आग लगा दी गई। तो आप देख सकते हैं कि दंगाई इतना उग्र हो गए थे कि मस्जिद में घुसे, मस्जिद में मूर्तियाँ लेके आए, मस्जिद में मूर्तियाँ रखे और पैसे थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुरान भी रखा था और यहाँ बता रहे हैं कि इसमें मस्जिद के जो चंदा हुआ करता था, इसमें मस्जिद का पैसा रखा हुआ था। तो वो दंगाई इसको भी तोड़े और तोड़ने के बाद सारा पैसा निकाल लिए और निकालने के बाद इसमें आग लगा दिए। जैसे इमाम साहब बता रहे हैं कि इसमें मस्जिद में जो चंदा हुआ करता था, वो चंदे का पैसा इसमें रहा करता था। तो देखिए, ये जो कुरान में आग लगाए थे, देख सकते हैं कि ये कुरान शरीफ का हिस्सा है। दंगाई आग लगा दिए और इसको एक बोरे में रखा गया है, पूरी तरीके से कुरान को भी जला दिया गया, कुरान को भी नहीं छोड़ा गया। हाँ, दिख रहा है जी, देख सकते हैं कि ये कुरान मजीद है। किस तरीके से, ये हदीस की किताब है, मारिफुल हदीस, किस तरीके से आग लगाई गई है ये देखिए। कुरान का हिस्सा है, आयतें आपको दिख रही होंगी कि हाँ ये कुरान ही है। दंगाई कुरान में आग लगा दी है, हदीस की किताबें थी, जो कुछ मिल रही थी उसकी बेहरमती की गई और मस्जिद में मूर्ति रखी गई। सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि मस्जिद में घुसे और मूर्ति लाए और मस्जिद के मीनारे पर जय श्री राम का झंडा लगाए और कई दिनों के बाद उस झंडे को उतारा गया, क्योंकि लोग डर गए थे। जो यहाँ के मुस्लिम रहने वाले थे वो यहाँ से भाग गए थे, आना नहीं चाहते थे। तो जब जमीयत के लोग आए, वक्फ बोर्ड के लोग आए, तब जाकर झंडे को उतारा गया और मूर्ति को निकाला गया। ये ऊपर का हिस्सा है क्या? ऊपर है, तो मैं आपको ऊपर भी ले चलूंगा इसके और ऊपर। 20 दिन के बाद अब कल से नमाज, कल नमाज शुरू हुई है। 20 दिन के बाद कल से नमाज शुरू हुई, देखिए बता रहे हैं 20 दिन के बाद कल से नमाज यहाँ शुरू हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा हूँ और आग कितनी भयानक लगी थी कि सारी दीवारें काली हो चुकी हैं और उसकी बदबू अभी भी आ रही है। आग की जलने की जो बदबू थी अभी तक नहीं ख़त्म हुई। 20-25 दिन गुजर जा रहा है और उसके बावजूद भी देख सकते हैं कि ये कोई रूम है। देखिए, इसमें भी सामान रहा होगा बहुत कुछ। पंखे थे, नए पंखे थे, उसमें
उसमें लगाने के लिए तकरीबन 20-25 पंखे थे और सामान थे, तार वगैरह, होल्डर वगैरह लगाने के लिए जो स्टोर रूम था, जो स्टोर रूम था, ये इस पर सिलेंडर वगैरह रखे हुए थे, वो सारे ले गए। तो आप देख सकते हैं कि मस्जिद का स्टोर रूम था और इमाम साहब बता रहे हैं कि इसमें पंखे थे, होल्डर थे, सिलेंडर, बहुत सारी चीज़ें जो मस्जिद में काम आती थी लगाने की, तो वो सब लूट ले गए यहाँ से। ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पंखे के गत्ते हैं, लाइट के गत्ते, सब कुछ ये अंदर था और इसमें सारा सामान निकाल लिए हो और निकालने के बाद गत्ते में आग लगा दिए। देख सकते हैं कि बिस्तर है। तो इमाम साहब आप यहीं पर रहते थे मस्जिद ही में? नहीं, बगल में, बराबर में, बराबर में रहते थे, मस्जिद नहीं रहते। नहीं, मस्जिद में नहीं। तो बच्चे के बगल ये देखिए ऊपर का हिस्सा है और किस तरीके से कैसी भयानक सूरत हो गई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब नमाज़ यहाँ पर शुरू हो गई है, 20 दिन के बाद यहाँ पर नमाज स्टार्ट हुई। जैसा कल बता रहे, कल किस टाइम से? कल जोहर के वक्त से नमाज शुरू हुई माशाल्लाह। जोहर के वक्त जी, साफ सफाई भी वक्फ वाले जो आए उन लोगों ने साफ करी है, हम लोग भी मिलकर साफ सफाई में जो है साझी होकर हिस्सादार बन के जो मिलजुल कर सब ने जो है सफाई करी है इसकी, मस्जिद की। इसके और ऊपर है जी, मंजिल ऊपर है और मीनार भी तोड़ फोड़ के उसे माइक वगैरह सारी चीज़ों को जो है ख़त्म कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की तरफ से जो काम किया जा रहा है लगातार मस्जिदों की मरम्मत या फिर उसमें नमाज से शुरू की जाए, तो कल से नमाज यहाँ इमाम साहब बता रहे हैं जोहर के वक्त नमाज स्टार्ट हुई है। तो मैं आपको तीसरे फ्लोर पे लेके चल रहा हूँ, यहाँ भी आग लगाई गई। इनको पूरा टाइम मिला है दंगाइयों को कि मस्जिद में घुसे और एकदम जिस तरीके से चाहते थे वो आग लगाना उसी तरीके से आग लगाएं। देख सकते हैं कि ये तीसरी मंजिल है, यहाँ भी घुसे, यहाँ पर भी आग लगाए और पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिए। देखिए लाइट का बोर्ड है जहाँ पर बटन हुआ करती थी, सब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। 2 टंकी वहाँ रख दिए गए 1000 लीटर के पानी, वो यहाँ रखते हैं। देखिए यहाँ पर पानी की टंकी रखी हुई थी जिसकी वजह से जहाँ नीचे वज़ू बना होगा, वज़ू खाना, वहाँ वज़ू करते थे लोग, या टॉयलेट रहा होगा उसमें उसका इस्तेमाल होता था, तो टंकी में भी आग लगा दिए थे, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी टंकी। बता रहे हैं जब साफ़ सफाई हो गई तो अब उसको यहाँ से ले जाकर नीचे या मलबे में कहीं भी रख दिया गया, क्योंकि अब मस्जिद में ये देखिए जले, यहाँ जमा पड़ा था ना ये सारा, यहाँ रख के जलाएं टंकी, बीच में रख के टंकी जलाएं। अच्छा, बीच में ला के जलाएं जलाएं टंकी यहाँ रख के, कल यहाँ सारा निशान बना पड़ा था, एक ये है एक वहाँ की जलाई थी, दोनों निशान ये हैं। देखिए टंकी उठाकर यहाँ लेकर आए बीच में और उसके बाद आग लगा दिए, तो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। और इमाम साहब बता रहे हैं कि मीनार पर पहुँच गए थे और माइक वगैरह तोड़ दिए, हम वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि ये मीनार है और मीनार में भी तोड़ फोड़ की गई, और देख सकते हैं ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर माइक लगा था, माइक चुरा ले गए, उठा ले गए, और ये पूरा प्लास्टर तोड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं गिरा होगा उनसे। ये देख सकते हैं कि मीनार का मलबा है, कल सफाई की है और यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया इसे। तो मीनार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि मीनार टूट जाए लेकिन नहीं टूटा उनसे, जब नहीं टूटा तो छोड़कर चले गए। देखिए ऊपर का हिस्सा है, तो यहाँ पर झंडा लगाए थे दोनों पे, दोनों मीनारे पे, हाँ, और ये पत्थर लगे हुए हैं, इसको सारे तहस नहस कर डाले। ये सारा पूरा अच्छा, ये पूरे पे पत्थर लगा हुआ था, ये सब तोड़ा है, बाहर को था ना, थोड़ा बाहर को था, थोड़ा ये बाहर को था, थोड़ा ये देख सकते हैं कि ये पत्थर था मस्जिद में और उसको भी तोड़ दिए, दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये दीवार अभी बनी है क्या? तो आपने देखा कि ये अल्लाह वाली मस्जिद थी जिसको मैं दिखा रहा था आपको, सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये मस्जिद है जहाँ से अमन शांति का पैगाम दिया जाता है, जहाँ से जब कभी माहौल ख़राब होता है तो सबसे पहले प्रशासन मस्जिद और मंदिर ही से ऐलान कराता है कि आप ऐलान कर दीजिए लोगों में कि जो भय है, डर है, वो शांति का माहौल बना रहे, तो मस्जिद और मंदिर ही से ऐलान किया जाता है। लेकिन वही मस्जिद जहाँ पर दंगाई घुसे तो प्रशासन साथ नहीं आया कि प्रशासन आकर बचाए कि दंगाई मस्जिद में घुस गए हैं, मस्जिद को आग लगा रहे हैं और मस्जिद में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि ये अल्लाह वाली मस्जिद थी और पूरी तरीके से ये तहस नहस कर दी गई है। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से और जमीयत की जानिब से जो काम किया जा रहा है, अब इसमें दोबारा से नमाज शुरू हो गई है। इमाम साहब ने बताया कि कल से जोहर की नमाज से वक्त जोहर से यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है।